प्रायोरिटी रूल, प्रायोरिटी रूल का दूसरा नाम है सी आई पी सिक्वेंस रूल, और सी आई पी का फुल फॉर्म होता है कान इनगोल्ड प्रीलोग। अब इसमें देखेंगे इसके क्या रूल्स हैं। प्रायोरिटी डिपेंड करता है, ये प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर का। यदि एटॉमिक नंबर फर्स्ट एटम का सेम हो जाए देन हम लोग सेकंड कंसीडर करेंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम, और तीसरे नंबर पर है कि एटॉमिक वेट। यदि आइसोटोप का कोई कंडीशन होगा तब वहां पर एटॉमिक वेट प्रायोरिटी का प्रोपोर्शनल होगा, एटॉमिक वेट ज्यादा होगा तो प्रायोरिटी अधिक होगा। नेक्स्ट स्टेप में यदि कार्बन से डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो तो ये डबल बॉन्ड दो ऑक्सीजन एटम को इंडिकेट करेगा, और हम लोग निकालेंगे किससे, ई जेड सिस्टम पे निकालेंगे, ई जेड सिस्टम जहां ई बता रहा है हाई प्रायोरिटी यानी एच पी अपोजिट साइड होगा। हाई प्रायोरिटी जब अपोजिट साइड होगा तब उसे ई कहेंगे, और यदि हाई प्रायोरिटी सेम साइड में होगा तब उसे हम लोग जेड कंसिडर करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल में हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर दिया गया है और यहाँ पर प्रायोरिटी हम लोग को डिसाइड करना है कि हाई प्रायोरिटी एंड लो प्रायोरिटी। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये एक्सिस, यहाँ पर एक साइड में यहाँ कंसीडर करेंगे इसमें ऐसे। अब ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इस दोनों में ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका हो गया, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो ये हो गया हाई प्रायोरिटी। अब इस साइड देखेंगे, ब्रोमीन और आयोडीन में आयोडीन का एटॉमिक नंबर अधिक होता है तो ये हो गया हाई प्रायोरिटी। और अभी हमने कहा है कि हाई प्रायोरिटी दोनों एक ही साइड में है, दोनों हाई प्रायोरिटी एक ही साइड में हो, सेम साइड में यदि हाई प्रायोरिटी होगा तब उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, तब उसे कहेंगे जेड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर, एग्जांपल टू। अब इस स्ट्रक्चर में फर्स्ट कार्बन को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर क्या है फ्लोरीन और यहाँ पर क्या है ये कार्बन, तो ये दोनों अलग एटम है, ये है फ्लोरीन और ये है कार्बन, तो एक ही एटम को कंसीडर करना है क्योंकि दोनों डिफरेंट है। यदि सेम होता तब हम लोग इसको छोड़ देते, सेम होता तो छोड़ देते, यहाँ पर डिफरेंट एटम है इसलिए दोनों का फर्स्ट एटम ही कंसीडर किया जाएगा। तो कार्बन और फ्लोरीन में ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका, फ्लोरीन का, तो ये हो गया हाई प्रायोरिटी फ्लोरीन। और अब इस साइड में देखेंगे कार्बन है और कार्बन है, दोनों सेम है तो अब इसको क्या करना है, इसको इग्नोर कर देंगे, तो कंसीडर क्या करना है इसके नेक्स्ट वाले को, तो इसमें कंसीडर करेंगे इस पार्ट को, और यहां इसमें कंसीडर करेंगे इस पार्ट को। अब यहां देखेंगे ये कार्बन कार्बन सेम है तो कंसीडर करना है इस पार्ट को, यहां कार्बन क्या इस पार्ट को कंसीडर करना है, तो यहां पर आया क्या चीज, कार्बन कार्बन एंड कार्बन, तीन कार्बन आ रहा है। फिर यहां पर देखते हैं कार्बन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, तीन कार्बन है तो निश्चित ही इसका एटॉमिक नंबर इससे अधिक होता है तो ये हो गया हाई प्रायोरिटी। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि हाई प्रायोरिटी ऊपर में है और हाई प्रायोरिटी ऊपर में है, यानी कि हाई प्रायोरिटी इन सेम साइड, तो हाई प्रायोरिटी इन सेम साइड क्या लिखेंगे, जेड लिख देंगे, तो ये भी हो गया हमारा जेड। एग्जाम्पल थ्री में आते हैं, थ्री एग्जाम्पल में यहाँ पर कंसिडर करेंगे, यहाँ पर है कार्बन और यहाँ पर है नाइट्रोजन, यहाँ पर भी ये एटम डिफरेंट है तो हमको फर्स्ट को ही कंसीडर करना है क्योंकि ये डिफरेंट है, यदि सेम होता तो इसको कंसीडर ना करते, ये डिफरेंट है तो दोनों में से ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका हो गया, नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अधिक है तो ये हो गया हाई प्रायोरिटी। अब इस साइड में आते हैं हम लोग, कार्बन एंड कार्बन दोनों सेम है, कार्बन एंड कार्बन सेम है तो कंसीडर करना है यहाँ इस पार्ट को, और यहाँ भी कंसीडर करना है हम लोगों को इस पार्ट को। तो यहाँ पर हमने अभी कहा था उस साइड रूल में कि डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन रहेगा तो दो ऑक्सीजन कंसीडर में आएगा, और यहाँ पर क्या आ गया है, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। यहाँ पर इस कार्बन में, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ ही ऑक्सीजन है तो दो ऑक्सीजन यहाँ आ गया और ये तीसरा ऑक्सीजन यहाँ आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि तीन ऑक्सीजन है और यहाँ पर दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन है, तो निश्चित ही इसका, इस तीनों का जब हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इस साइड का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो ये हो गया हाई प्रायोरिटी। और यहाँ पर भी हाई प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी इन सेम साइड, वी कंसीडर जेड। एंड लास्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ये ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है, आइसोटोपिक कंडीशन, यहाँ पर
आइसोटोपिक कंडीशन में, तो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम है, तो ड्यूटेरियम का मास अधिक होता है, तो ये हो गया हाई प्रायोरिटी। और इस तरफ हम लोग कंसिडर करेंगे कार्बन एंड कार्बन सेम है, तो इसके साइड में तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक कार्बन है, तो निश्चित ही इस साइड का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, हाई प्रायोरिटी, सेम साइड वी कंसिडर जेड।